आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम ब्लॉक छजलेट के गांव बेगमपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 36 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 3500 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती अनीसा संभाले हुए हैं। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चले कि आजादी के बाद पहली बार इस परिवार से मुस्लिम प्रधान चुने गए हैं। गांव में अच्छा विकास कराने के कारण जनता इन्हें बार बार प्रधान चुनती है। 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। मेरा नाम साजिद हुसैन। आप यहाँ इस पंचायत में किस पद पर हैं आप? मैं प्रधान पति हूँ। सर, यहाँ 4 वर्ष आपके प्रधान कार्यकाल को हो गए हैं और 4 वर्ष में आपने क्या क्या कार्य कराया और किस तरह से कराया? ये एक तो सड़कें बनवाई हैं, सीसी की सड़कें बनवाई हैं और सीसी टाइल्स लगवाई हैं। 362 शौचालय बनवाए हैं, स्कूल की बाउंड्री। ODF हो गया? हो गई पंचायत? अभी ODF नहीं हुई है, अभी मैंने शौचालयों की डिमांड ऑर्डर की है। कितने शौचालय से ODF हो गए पंचायत? मतलब 362 बन चुके हैं और लगभग 190 की डिमांड बन चुकी है। यहाँ आवाज मिले हैं लोगों को? आवाज मिले हैं। कितने आवाज बने? 33 आवाज बनवा। अच्छा, यहाँ अभी और व्यक्ति हैं जो अभी कच्चे मकानों में रहते हैं, आवास की आवश्यकता है? जी जी, 195 की सूची और भेज देती है। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ सोलर लाइट वगैरह आपने लगाई है? जी, 25 सोलर लाइट। अच्छा जी, चेयर्स वगैरह जो कितनी लगाई है? चेयर्स लगवाई 31 आ गई है। अच्छा, अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले सरकार साहब क्या चाहोगे वो सुंदर हो हमारे गाँव में, किस चीज़ की आप महसूस कर रहे हो? जी, सुंदर एक तो ये कि शौचालय पूरे हो जाएं, जिससे ये जो प्रधानमंत्री के तहत जो स्वच्छ विभाग नियम है ये पूरा हो जाए। और दूसरा, एक हमारे यहीं मेन रोड है गांव में बीच में, जिसमें वो जिस टाइम समाजवादी की सरकार थी तो वो आधा बन गया था लोहिया वानी से और वो आधा बचा हुआ है। अब उसमें ये है कि अगर हम उसको बनवाते हैं तो जितना ग्राम पंचायत का पैसा आएगा वो उसी सड़क में लग जाएगा। हम ये चाहते हैं कोई सांसद या विधायक उसको बनवा दे। हम, मैंने विधायक जी को अपनी लेटर पैड पर लिख कर और सांसद जी को लेटर पैड। अच्छा, आपके यहाँ उपकेंद्र अस्पताल है? यहाँ उपकेंद्र का अस्पताल है। डॉक्टर बैठते नहीं? मिल पैसे नहीं बैठते, कभी कभी आ जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो का दिन होता है। इसकी मैंने डिमांड की थी, मैंने मतलब ये कि कांट में डॉक्टर से कहा था, मैंने कहा एक डॉक्टर हमारे यहाँ मिक्स करिए, जैसे मलेरिया है, बुखार है किसी की, मतलब लोगों को जाना की किल्लत ना हो पा। अच्छा, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जहाँ लोग जो कनेक्शन हुए हैं लोगों को? जी, हुए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन हुए हैं और लगभग 90% कनेक्शन। सम्मान निधि का पैसा लोगों को मिलता है? सम्मान निधि का पैसा मिलता है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जिनको पैसा भी नहीं मिला है। अच्छा, 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा यहाँ मिलती है? बिल्कुल मिलती है। और एक रास्ता बल्कि हमारे यहाँ ऐसा था कि वहाँ पानी की कोई साधन नहीं था, तो उसमें मैं तालाब खुदवा रहा हूँ। एक जमीन खरीद ली ग्राम पंचायत की, तो उसमें मैं तालाब खुदवा रहा हूँ, जिससे वहाँ का समस्या सोल्व हो सके रास्ते पानी। क्या नाम बताओ आपका? कहाँ रहते हो? अच्छा, यहाँ प्रधान जी द्वारा जो कार्य कराए गए हैं सड़कें वगैरह, क्या इससे कितना सहमत हुआ? बहुत बढ़िया काम हुआ हमारे गांव में, किसी पे ध्यान नहीं ऐसा लग रहा है। टाइम देते हैं प्रधान जी गांव के लिए? बहुत बढ़िया। आपको दिक्कत तो नहीं है तुम्हें पंचायत? दिक्कत नहीं है जी।